पिछले दिनों चमोली के यहाँ पर ब्रह्मताल के पास में हुए ब्रजपात में सीमांत जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक यहाँ पर थराली वाण सड़क मार्ग के बुराकोट गदरे में 100 मीटर सड़क बह दी थी, जिसके चलते यहाँ पर जनपद का अंतिम गांव वाण गांव का भी संपर्क देश दुनिया से कट गया है और वाण गंगा अलग थलग पड़ गया है। बता दें कि यहाँ पर वाण गंगा विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड के निचले हिस्से में बसा हुआ है और इसी गांव के बाद पूरा हिमालय क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने बताया कि यहाँ पर बुराकोट गदेरे में सड़क अवरुद्ध होने से वाण गंगा की यहाँ पर 2,500 की जनसंख्या गांव में कैद होकर रहने को मजबूर है, जिससे गांव में यहाँ पर राशन, केरोसिन, गैस, सब्जियों की आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद हो गई है, जिस कारण ग्रामीण बेहद परेशान है। हमारे यहाँ जो है परसों बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। बुरोकोट गजेरा जो है 2016 में भी बह गया था, वहाँ पे भी 2016 में भी आपदा आई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहाँ पे सरकार ने हमारी विधायिका मुन्नी देवी जी ने भी कहा था कि यहाँ पे तुरंत पुल बनेगा, लेकिन आज जीरो ग्राउंड जीरो पर जो है वो पुल अभी बना नहीं है। और जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी परसों को हुई है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। 6 महीने 2016 में लगे थे, इस बार भी शायद 6 महीने ही लगेंगे रोड। अभी वहाँ पहुँचा हूँ और वहाँ के आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। क्लीन का जो नीम गजरा है, क्लीन और वहाँ के जो गजरा पड़ता है बहुत दयनीय स्थिति होती है। पूरा यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बादल फटा वहाँ में जो बुरी स्थिति हुई थी आप देख सकते हैं, बहुत दयनीय स्थिति होती है। यहाँ पर प्रशासन शासन प्रशासन सब आए थे, लेकिन उस गजरे के कारण यहाँ पे आ नहीं पाए, वहाँ के लिए आ नहीं पाए। और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम पूरी से वहाँ के लिए आएंगे। गाँव में बादल फटने से गांव के सारे जो हमारे गांव को जोड़ने वाले पुल थे वो सारे टूट गए थे। सिर्फ एक ही पुल बचा है जो पीरी कोडमा को और खर्चा को जोड़ता है। तो इस पुल को बचाने के लिए हम सभी ग्रामीणों ने आपस में सलाह किया कि हम इस पुल को बचाने के लिए सभी आपस में श्रमदान करेंगे ताकि हमारा थोड़ा ये पुल बचे और जो पीरी के लोग वहीं अटक गए उनका उधर का रास्ता भी पूरा टूट चुका है जो वहाँ गांव और पेरी को जोड़ता।